सोना के होटल स्मार्ट व्यू में आज करणी सेना का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि करणी सेना आज देश के हर राज्य में एक किरण बनकर राम राम की अलग जगा रही है। देश के मान सम्मान के देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक ऐसा संगठन है जो देश के अंदर कुछ हटके करना चाहता। अभी उमेश सिंह करीरी ने एक बात कही कि हम वो लोग हैं, नगर परिषद के चेयरमैन पति लेखराज जी उपराज हैं, आज इनकी धर्मपति ने शपथ ली है, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं और इनको भी बीच में खड़ा करो। संतु जी आ जाओ, एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, मैं अमेरिका में था, सोना वालों का फोन आया गड़बड़ है हार जाएगा। मैंने कहा गरीब परिवार का व्यक्ति कभी नहीं हार सकता, ना गरीब परिवार का व्यक्ति झुकेगा ना हारेगा। राज्य खड़े इनकी धर्मपत्नी ने आज शपथ ली है, आप दोनों हाथ ऊपर करके इनका अभिनंदन करें। उन्होंने कहा कि करणी सेना देश में हर उस बात का विरोध करेगी जो देश और देशवासियों के लिए गलत होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें फिल्म बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्मों में दिखाए गए अभद्र गाने और डायलॉग पर हमारा विरोध जारी रहेगा। पठान फिल्म चल रही, मेरे मित्र ने कहा फिल्म देखा हूं, दो मित्रों ने कहा, एक का नाम मित्र, एक शैतान है सामने बैठा उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, कहला फिल्म देखा हूं, मैंने कहा देखना चाहिए। हम फिल्मों का विरोध नहीं कर, हमने शाहरुख खान की कभी खुशी कभी कम देखी है, दिल से देखी, हमने तुमने जो दिखाया वो देखा, परंतु वो चीज दिखाओ तो देखने लायक जो भारतीय संस्कृति का सम्मान है। ये जो बच्ची आई है कथक वाली, क्या नाम था, दत्ता, अंकिता दत्ता, कहाँ है, आओ इधर आओ। ये जो भारतनाट्यम कर रही थी इसके लिए ताली नहीं बनाई गया, तो दीदी का पादुकोण का जो डांस है आप तो छुप छुप के कुछ लोग देखते हैं। ये मैंने कहा शाहरुख खान से, अपनी बहन बेटियों को कैसे डांस करा के दिखा, मैं तेरी टांग के नीचे से निकल लूंगा। इस बच्ची के लिए ताली बजा लीजिए, ये भारतीय संस्कृति में जुड़ा है। अरे हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मुसलमान है, कौन सा ऐसा पठान है जो अपने घर में दीपी के स्टाइल में डांस कराएगा, विश्रम रंग कोई कराएगा। अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कभी अपने घर में कराया किसी ने, पड़ोस में देखा है मोहल्ले
राम रहीम की फिल्म हिट हुई थी जेल में, आसाराम की फिल्में बहुत चली थी जेल में, एक और है संत राम पर उसकी वीडियो बहुत चलती थी जेल में, रश्मि आप जो बना रहे हो जो दिखा रहे हो उसके पीछे मकसद क्या है? डॉक्टर साहब अगर पैसे कमाना मकसद है तो पैसे वो कमाते हैं जो कोरोना में भी अपनी जान हथेली पे रखकर जनता की सेवा। कुछ ना कुछ अच्छा करना। आज राणा सांगा की जयंती है। राणा सांगा कौन? वो महाराणा पुण्यतिथि, वो महाराणा सांगा जिन्होंने शरीर के ऊपर 89 घाव खाए उसके बावजूद भी मुगलों के दांत खट्टे करे, उनके लिए शहीद भगत सिंह के लिए, हम लोग महाराणा प्रताप के लिए, हम लोग चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी, हम लोग उन महात्माओं के अनुयायी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। देश का कोई भी आएगा कोई भी पिता बन जाएगा। भारत हमारी माता है, क्या है? भारत माता की, भारत माता की। अब जबरदस्ती कोई पिता बने तो गड़बड़ हो, भारत को माता रहे, हम किसी को जबरदस्ती बाप नहीं बनाते। होंगे वो राहुल गांधी के रिश्तेदार, होंगे वो नेहरू के रिश्तेदार। मेरा मक्कन भाई से अनुरोध है या पंजाबी परिवार बैठे वो किस खड़े मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, वो लोग जो उस समय सत्तासीन थे जब हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जब 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, उन हत्यारों को एक देश दे दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान है, परंतु उन 10 लाख शहीद होने वाले लोगों को आज तक शहादत का दर्जा नहीं दिया, उसलिए हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की मुर्दाबाद करते हैं। इनको ट्रेनों में भर भरकर उनकी हत्या करके भेज दिया गया। ओवैसी का भाई 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस एक तरफ बिठा दो तो हम बता देंगे हिंदुस्तान में ताकत है। अरे मैंने कहा 100 करोड़ नहीं, अब हम 120 करोड़ हैं, जिस दिन चाहेंगे चुटकियों में मसल के रख लेंगे। डिजाइनर कह रही थी सर चौथा कैसे लिखूं, चौथा पंजाबियों में चला। मैंने कहा हम चौथा करेंगे और सोना कर सोना के नजदीक से कर।
चौथा उनका करेंगे जो हिंदुस्तान का आज भी पठान फिल्म बनाने का सपना देखते हैं, हम चौथा उनका करेंगे जो हिंदुस्तान के बारे में आप शब्द देते हैं, हम चौथा उनके लिए करेंगे जो जबरदस्ती इस देश को गुलामी में ढकेल गए और देश को इधर उधर टुकड़ों में बांट गए। हम लोग सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान तो करें परंतु अपनी शर्तों पर। ये मेरी राष्ट्रीय टीम खड़ी है और मैं गर्व से कहता हूं मैं अपने जन्म स्थान पर इनको इसलिए लेके आता हूं कि मेरे को इसी मिट्टी ने मेरे को जन्म दिया, इसी मिट्टी में मैं जन्मा हूं, इन्हीं लोगों की गोदी में खेला हूं, इन्हीं मित्रों के साथ पढ़कर आगे बढ़ा हूं। मैं सिर्फ सोना वालों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दे रखो, आशीर्वाद बना रखो। ये पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चल रहा है, ये 36 कौम आपके साथ चल रहा है, ये आप लोगों की ताकत मेरे सामने बैठी है। आज कल रात को छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर हजारों लोगों ने मशाल यात्रा निकाला, यह अलवर का लड़का खड़ा भूपेंद्र राठौर जो नारा लगा रहा था, ये अलवर के अंदर रात को पूर्व संध्या पर मशाल यात्रा करके आ रहा है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज कार्यक्रम हो रहा है, हिमाचल के अंदर ऊना के अंदर आज स्थापना दिवस मन रहा है, आज हिमाचल के अंदर कश्मीर के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अनेकों अनेक राज्यों में आज करनी सेना अपना स्थापना दिवस मना रही है। जो यहाँ पर लोग खड़े हैं इनसे मैं कहना चाहता हूँ 10 दिन लगातार करनी सेना का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाएं, सभी जातियों को सभी धर्मों को साथ लेकर चले, परंतु बुजुर्गों का सम्मान, जो समाज में काम करते हैं, जो समाज में सेवाएं देते हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, उनका सम्मान अवश्य करें, उनके सम्मान के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए, आप लोगों ने समय दिया, आशीर्वाद दिया। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करनी सेना में आज कई नियुक्तियां हुई, एडवोकेट राजीव छिपर जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, आज हमने विधि प्रकोष्ठ का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मैं तालियां बजाकर चाहूंगा उनका अभिनंदन आप करें। अनीशा रावत जो राजस्थान की रहने वाली है, वो आज करनी सेना महिला शक्ति की राष्ट्रीय महामंत्री बनी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक गुस्से वाली है वैशाली तोमर, पीछे खड़ी तो आगे आ गए, वैशाली तोमर कहाँ है, इसका फोटो अच्छे से खींचना भाई, गुस्से हो जाती है, किशोर जी को पता है गुस्से हो जाती है। ये लोग, ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग जो मंच पर खड़े थे बैठे थे या आपके सामने हैं, आज उनको जो सम्मान मिल रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। हम लगातार बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। कृष्णमुखी जिनके छोटे भाई असम के गवर्नर हैं, राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुखी परिवार के कारण मेरा राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर कथूरिया बैठे हैं, मुझे यहाँ मालूम है मेरे घर से दूध लेने आया करते थे, उस समय हम लोग दूध बेचा करते थे, कहने में मुझे शर्म नहीं आती। मास्टर पारसनाथ जैन जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ, शिक्षक हैं, मास्टर भगवत प्रसाद जिनको अनेकों अनेक अवार्ड मिले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, महेश जी आर्य जिनको आर्य समाज का अध्यक्ष होने का दूसरी बार गौरव प्राप्त हुआ, विजेंद्र जैन, एक संस्था है सोना स्वर्ग आश्रम सेवा समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 20-22-25 सालों से, उसमें अगर कोई सच्चे दिल से कोई सेवा करता है तो वो है यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े भाई विजेंद्र जैन, जहाँ लोग जाने से करते हैं वहाँ हम सेवा करते हैं, ऐसे विजेंद्र जैन, मास्टर पारस जी, मास्टर अभिचंद गर्ग जिनके घर में मेरा लालन पालन हुआ, मेरे उनको पापा कहता हूँ बचपन से, वो रताश जैन, किशोर सिंगला, मनमोहन जैन जो सोना के सेठ हो, मैंने बताया जो अनेक हस्तियां हैं बैठी, महाराज जी लोगों से मुझे आशीर्वाद दिया है, परंतु अगर मुझे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत दी है तो इस भगवा झंडे ने दिया, इस मंच पर बैठे हुए मित्रों ने तालियों में मजा लिया मंच पर, अरे जो सारे मंच का संचालन करिए, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
लड़की है, बहुत काम करा आपको, इसके लिए भी ताली बजती है। ये जाटवी का ब्राह्मण है, इधर जाटवी जो है ना सब कर ले ब्राह्मण के साथ ताली बजा। ये पांचों अध्यक्ष मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, पांचों अध्यक्ष आ जाओ, संदीप जी आते हैं। ये संदीप जिंदल गाजियाबाद से, बहुत बड़े व्यापारी हैं। ये ममता सैफाली, ये छिप्पर मुझे कॉलेज में मैं देखता था, गौरव चिट्ठा था, इंग्लिश अच्छी बोलता था, मैंने इसको भी कभी सामने ले लिया। ये विजय आ गया, सबको योगा सिखाती है, पूरे विश्व में डॉक्टर विजय का नाम है। ये सिख परिवार से मक्खन भाई गए, ये प्रीति मकानिया, ये सिख परिवार से है, ये मंजीत है, ये मेरे पड़ोसी हैं, इनकी धर्मपत्नी रशियन है, ये भी करनी सेना में आ गए। ये जो परिवार जुड़ रहा है प्रदीप भाई, ये आपके आशीर्वाद से, ये ताकत है। ये सुरेश प्रधान, विश्व खुराना, ये दीपक गर्ग, ये जिंद्रा ओम प्रकाश जी, ये जो भौंड सिंह की पूर्व सरपंच है, अध्यक्ष का है, अध्यक्ष को बुलाओ। दुर्गा जी एक बाल्मी परिवार से, मोर्जी गांव की सरपंच है, और वो मेरे मंच पर एक राजपूत को सम्मानित कर रही है, इससे बड़ा कोई हम लोग प्रूफ नहीं दे सकते। आपको बता दें कि करनी सेना पूरे देश में फिल्म पठान के बेशरम गाने को लेकर जमकर विरोध कर रही थी। वहीं करनी सेना के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल तंवर ने कहा कि आज युवा पीढ़ी सोशल साइट पर अपना ज्यादा वक्त देते हैं, जिससे उनको सही जानकारी कम और गलत जानकारी ज्यादा मिलती है। आज अभिभावकों को जरूरत है कि वो बच्चों पर ध्यान दें और सोशल साइटों पर वो किससे बात करते हैं इसकी भी जानकारी लें। कार्यक्रम में करनी सेना के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। हर हर चरणों में चरण स्पर्श और मंच पर उपस्थित सम्मान्यवान